आगामी मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी तैयारियां दोनों ही दल तेज़ी से कर रहे हैं। आपको बता दें, बुरहानपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो अल्पसंख्यक भी यहां से जो है टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, और अल्पसंख्यक टिकट के दावेदारों के अंदर प्रमुखता से जो है नाम डॉक्टर फरीद काजी का चल रहा है। हमारे साथ में फरीद काजी मौजूद है। क्या कहेंगे, अगर पार्टी ने विश्वास जताया कि कितनी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे आप? देखिए, निश्चित ही अगर पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बनाती है तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी ये होगी कि मैं पूरे अपने समर्थकों के साथ में पार्टी को विजयी दिलाने के अंदर जो है हर प्रयास करूं, और ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। ये बुरहानपुर के मतदाता जिसको चाहेंगे वो उसको जो है विधानसभा भेजेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा जो है तो भारतीय जनता पार्टी की जो पुराने कार्यकाल के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों पे वो खरे नहीं उतरे। लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी ने 2018 में जो चुनाव से पहले वचन पत्र तैयार किया था, चुनाव जीतने के बाद कमलनाथ जी ने अपने सारे वादे 1.5 साल के अंदर पूरे करने के प्रयास किए थे और कुछ वादे पूरे भी किए थे। उसी प्रकार इस बार भी कमलनाथ जी ने अपना जो है वचन पत्र तैयार किया, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो नारी सम्मान के नाम पे 1500 रुपये महीना हर महिला को जो है मिलेगा, ये हमारे वचन पत्र के अंदर है। गैस की टंकी आज जो 1400 रुपये है वो 500 रुपये में मात्र जो है तो हमारी बहनों को जो है उनकी रसोई के अंदर मिलेगा। इसी के साथ में जो है तो पुरानी पेंशन का जो मामला है, आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि वो पुरानी पेंशन जो है बहाल करेंगे। OBC के लिए जो है 27% जो है आरक्षण की बात की है, 100 यूनिट बिजली जो है माफ़ करेंगे, और 200 यूनिट आप ऐसे अभी कल और कुछ मांगे बढ़ी, ऐसे 11 जो है मांगे जो है वचन पत्र के अंदर शामिल है। तो वो तमाम मांगे जो है तो आदरणीय कमलनाथ जी जो है सरकार में आने के बाद, मुख्यमंत्री के बनने के बाद फौरन जो है इन मांगों पे अमल करते हुए उसको पूरी करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, अगर मुझे अपने शहर के मतदाताओं का, जनता का आशीर्वाद और दुआएँ मिलती है तो निश्चित ही मैं विधायक बन के ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि मैं विधायक नहीं अपनी जनता का सेवक हूँ, जो जनता मुझ पर विश्वास करेंगी, जो विकास के काम यहाँ पर पिछले 5 सालों में जो कुछ नहीं हो पाए, पिछले 20 सालों में जो नहीं हो पाए, वो तमाम मुद्दों पे जो है काम करके दिखाऊंगा, बोलूंगा नहीं करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इनसे बात करने के लिए, डॉक्टर फरीद काजी से जिनसे हमने बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको बताया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ। BNC मीडिया के लिए मैं दानिश अज़हर खान।